I played it सो है गाइस आज का ये वीडियो का रिकमेंडेशन मेरा एक सब्सक्राइबर दोस्त ने दिया उसने मेरे को कहा भाई बहुत दिन से तू मॉन्स्टर फिश केयर बना लिया अब प्लांटेड टैंक के लिए कोई एक फिश का केयर बना दे तो गाइस मैं सोचा भाई प्लांटेड टैंक अगर नाम लूँ तो बेसिक हम लोग को जो फिश दिमाग में आता है वो है गप्पी टेट्रा नियॉन टेट्रा टाइगर टाइगर बाप तो नहीं सॉरी जो छोटा बार्ब होता है ओ सब ये सब दिमाग में आता है सो so गाइस मैं सोचा चलिए गप्पी के लिए बना दो क्योंकि गप्पी प्लांटेड छोड़ के और भी लोग नॉर्मल टैंक में भी रखता लग, है गप्पी हर एक को पसंद भी आता है बहुत सारा गप्पीज का वैराइटीज होता है नॉर्मल से शुरू करके इंपोर्टेड में टक्सैडो वगैरह होता है उसके बाद डम्पर्स होता है तो मैं सोचा केयर बना दूँ और सब गप्पीज का एक ही केयर है तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो को पूरा एंड तक देखना वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं होता है सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी प्रेस कर देना चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सो so गईज गप्पी देखिए शुरू होता है एक रुपया से बोलेंगे एक रुपया एक रुपये में कौन सा मिलता है गाइज देखिए एक रुपया में ये सब गप्पी नहीं फीडिंग गप्पीस मिलते हैं जो कि हम लोग एरोवाना एलिगेटर गर ये सब को देते हैं उसके बाद जो फीमेल होता है नॉर्मल वो छः रुपया सात रुपया ऐसा जाता है दस रुपया पंद्रह बीस और जो इम्पोर्टेड होता है दो सौ ऐसे पेयर में मिलता है ये है प्राइसिंग रेंज ऑफ गप्पिस आप एक बार गूगल कर सकते हैं हर एक गप्पिस का प्राइस रेंज मिल जाएगा सो so गाइस इनका केयर एकदम बेसिकली सेम होता है बहुत ही ईजी होता है गप्पी रखना देखिए नॉर्मल फिशेस के लिए जैसा आ, वाटर पैरामीटर रखना है गप्पिस के लिए भी सेम पहला बात गप्पिस का वाटर कप चेंज करना है सो so गाइस आपको जो हर एक फिश के लिए करते हो वीकली फिफ्टी परसेंट वही आपके गप्पिस के लिए भी करना होगा और अगर मतलब डेली तो नहीं होता एक दिन बाद बाद ट्वेंटी परसेंट चेंज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है गाइस आप लोग बोलेंगे भाई प्लांट लगा सकते हो टैंक में जी हाँ गप्पी के लिए प्लांट ही लगाना होगा ऐसा नहीं कि एरिया पर प्लांट लगा सकते हैं क्योंकि गाइस गप्पी होता है प्लांटेड टैंक स्पीसीज और अगर बोलेंगे भाई ऑक्सीजन मतलब छोड़ कर रह जाएगा ये बौद्ध जन का एक मिथ है कि भाई ऑक्सीजन छोड़ कर रह सकता है या नहीं रह सकता है बौद्ध जन बोलता है रह सकता है बौद्ध जन, जन बोलता है नहीं रह सकता है पर इसका आंसर है हाँ और नहीं दोनों एक साथ क्यों दोनों एक साथ हां तब होगा जब आप एक मतलब टैंक में प्लांट लगाएंगे प्लांटेड टैंक करेंगे तब आपका ऑक्सीजन नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्योंकि आपका जो प्लांट है वो ऑक्सीजन छोड़ेगा सुबह को तो इसलिए नहीं लगेगा और ना इसलिए जब आप प्लांट नहीं लगाएंगे तब आपको ऑक्सीजन देना होगा एक एक्सटर्नल ऑक्सीजन फिल्टर या फिर मोटर देना होगा तो होप करता है ये डाउट समझ आया होगा क्योंकि ये बहुत जन का डाउट होता है मैं खुद एक्स मतलब एक्सपेरिमेंट किया मेरे पास भी गप्पीज था मैं गमला पे रखता था प्लांट देके तो मैं उसे लगभग दो महीना ऑक्सीजन नहीं लगाया कुछ नहीं हुआ एकदम फीडिंग ले रहा था सब भी चल रहा था ठीक वाटर भी चेंज कर रहा था सब चल रहा था इसीलिए गप्पी को सिंपल आंसर में अगर प्लांट लगाएंगे तो फिल्ट मतलब जो ऑक्सीजन है नहीं लगेगा फिल्ट्रेशन सिस्टम कौन सा यूज कर सकता है बेस्ट होगा आप लोग स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ कीजिए पावर फिल्टर और टॉप फिल्टर का अवॉइड करना ही ठीक होगा अगर फिर भी लगा रहे तो व्हाइट वाला पाइप खोल देना क्यों अवॉइड करना ठीक होगा वो भी बोल देता हूँ गप्पीस बहुत ही छोटा वेराइटी का फिश होता है और इनका फ्लो में भी इन लोग को लग के ठंडा लग सकता है गप्पीस को इसलिए ये फ्लो नहीं देना ठीक होगा मेरे तरफ से यही रिकमेंडेड है आप लोग स्पॉन्ज फिल्टर लगाइए बहुत ही अच्छा चल जाएगा गाइस आप लोग बोलेंगे कि प्लांट मैं हमेशा लगा के रख सकता हूं ऑब्वियसली हमेशा लगा के रख सकते हो पर एक चीज प्लांट के लिए आप अगर एक्सटर्नल सी सिलेंडर से सी देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और गाइस एक बात बोल दो अगर आप गप्पी टैंक में प्लांट्स लगा रहे हैं तो रॉक सॉल्ट यूज मत करना बहुत कोई करता है रॉक सॉल्ट हाँ अच्छा होता है पर प्लांट्स में मत लगाने नहीं तो प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं इसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा एक लेटर ऑन तो गाइस ये एक छोटा सा टिप है कभी रॉक सॉल्ट मत देना गप्पी इसको फीडिंग के लिए क्या दे सकते हैं आप लोग ब्राइन सिरम दे सकते हैं ऑप्टिम दे सकते हैं टेट्राबिट्स दे सकते हैं कुछ भी खा लेगा प्लेट्स वगैरह तो ये एक बेसिकली बहुत ही अच्छा देखने वाला फिश है आप लोग को पता होगा और झमेला भी नहीं है रखना वाटर टेम्परेचर कितना रखना है आप टू ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी एट तक रखना है एकदम ही परफेक्ट रहेगा इसके लिए और टैंक मेट्स का बात करूँ तो आप लोग गोल्ड फिश रख रख सकते हैं टेट्रा वेराइटीज़ का फिश रख सकते हैं उसके बाद और भी होता है जो नॉर्मल टेट्रस होता है नॉर्मल जो होता है वो सब रख सकते हैं और बहुत कोई ऐसा होता है छोटा वेराइटी का फिश आप इनके साथ रख सकते हैं कोई दिक्कत इनके साथ नहीं होगा और बी केयरफुल कभी इनके साथ मॉन्स्टर मत रखना नहीं तो मॉन्स्टर इसे खा लेगा क्योंकि फीडिंग पीस होता है मॉन्स्टर खाने के लिए बहुत पसंद करता है उनके पास ना कोई फीडिंग का वैल्यू है ना कोई नॉर्मल का इसीलिए अगर नॉर्मल या फिर इंपोर्टेड रखेंगे आपका पैसा जाएगा और गाइस देखिए गप्पीस रखना कोई मतलब मुश्किल वाला बात नहीं है पर ये भी बोलूँगा आसान वाला बात भी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि गप्पिस को एकदम अच्छे से रखना होगा नहीं तो जल्दी मर जाएगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा फिश होता है इसीलिए थोड़ा देख के रखना होगा कि भाई वाटर टेम्परेचर ठीक है कि नहीं या फिर मतलब वाटर क्लाउडी हो गया कि नहीं वाटर से स्मेल आ रहा है कि नहीं ये सब देख के आप लोग को रखना होगा और गाइस इसके कारण आप लोग अच्छे से गप्पीस रख सकते हैं और इतना भी मैं बोलूंगा गप्पीस बहुत ही जल्द ब्रीडिंग करता है सबसे जल्दी करता है मौली उसके बाद करता है गप्पी सो गाइस आप लोग मतलब बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं गप्पी से गप्पी मेल फीमेल कैसे आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिए मेल जो होता है इनका टेल बहुत ही कलरफुल होता है और इवन इनका बॉडी कलर भी मस्त होता है पर फीमेल का उतना अच्छा नहीं होता है फीमेल का जो टेल है वो रफ़ कलर होता है उसका बॉडी जो है ग्रेस टाइप सिल्वर टाइप होता है उतना अच्छा कलरफुल नहीं होता है और गाइस इनके लिए मिनिमम टैंक साइज मिनिमम टैंक साइज देखिए इनके क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है सपोज आप दो ठो रख रहे हैं दो ठो आप लोग एक फुट का टैंक में रख सकते हैं आप लोग अगर दस ठो रख रहे हैं तो दस ठो के लिए आपको मिनिमम 1.5 फीट टैंक देना होगा अगर आप पूरा ठो रख रहे हैं तो मिनिमम फोर फीट टैंक देना होगा जितना बड़ा टैंक में गप्पिस रखेंगे उतना देखने को मस्त लगेगा और गाइस अगर इम्पोर्टेड कभी आप लोग रख लिए तो भाई मज़ा आ जाएगा टैंक देखने में इतना अच्छा ब्यूटी होगा आप लोग खुद इमेजिन नहीं कर सकते और गाइस अगर बेबी होगा तो आप लोग कोशिश करना कि मतलब मेल गप्पी जो है और फीमेल को थोड़ा अगर बेबी बड़ा हो जाए तो हटा देने के लिए नहीं तो मे बी वो लोग खा भी लेगा इसलिए थोड़ा अगर बड़ा हो जाए बच्चा अगर बेबीज दिया तो थोड़ा हटा देना और कोई इतना केयर वाला बात नहीं है बहुत इजी है रखना गप्पी से रख सकते हैं ये मेरा एक सब्सक्राइबर दोस्त ने रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लांटेड में बनाओ आप बहुत दिन से तू मॉन्स्टर बना रहा है प्लांटेड बनाओ मेरे पास प्लांटेड है को एक कोई भी फिश बना दो तो, तो मैं सोचा बेसिक होता है गप्पी तो उसके ऊपर ही बना दो सो गाइस होप करते हो समझ आ गया अगर आ गया तो एक लाइक कर देना लाइक के बिना कहीं मत जाना और चैनल पर नहीं होता है सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी प्रेस कर देना सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो